अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो है मेरा पुराना गोप्रो सेल कर दिया मैंने, और लकीली मेरे बॉस अमेरिका गए तो मैंने उनसे डिमांड करी कि भाई ये गोप्रो ले आए मेरे लिए, तो वो गोप्रो लेके आए। ये मुझे अमेरिका से थोड़ा सस्ता पड़ा, तो एक ये गोप्रो का माइक है, माइक कह रहा हूँ, ये अडाप्टर है। इसके जरिए क्या होता है कि सबको पता ही है जो गोप्रो यूज़ करते हैं कि आप एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हो। आप ये हीरो 8 मंगवाया, इससे पहले मेरे पास हीरो 5 था, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने सोचा बनाऊं, तो चलो अनबॉक्स करते हैं इसको। ये सील है, इसी सील खोल रहा हूँ मैं। अंदर फंस गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये है जी GoPro Hero 8, ये देखो बिल्कुल फ्रेश पीस है। देखते हैं इसको, इसके अंदर पहले से हैंडल बिल्ट इन है, जबकि हीरो 5 में जो है वो अलग से केसिंग लगानी पड़ती थी इसको ट्राईपॉड पे लगाने के लिए। ये ऐसे फोल्डेबल है, फोल्ड करके आप इसको केसिंग में भी डाल सकते हैं। ये इस पे स्टिकर लगा हुआ है एक, अब मैं इसको स्टिकर को उतारता हूँ। बाहर आ गया, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अब इसमें देखते हैं बैटरी कहाँ से डलेगी। आई थिंक शटर इसका यहाँ से खुलेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, यूँ करके, हाँ ऐसे करके बैटरी देखते हैं कहाँ है। मैनुअल्स बाद में पढ़ूंगा इसको देख के क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ये कर बैटरी टाइप सी चार्जिंग केबल जस्ट लाइक GoPro Hero 5, और ये कर्व में एक माउंट है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी शायद हेलमेट पे या कहीं और लगाने के लिए, और तो कुछ नहीं है। फिर ये सामान आया इसके साथ, एक GoPro, एक केबल, एक माउंट, ये माउंट भी है एक इसके साथ लगाने के लिए, और एक बैटरी। अब बैटरी पता नहीं चार्ज होगी या नहीं, देखता हूँ मैं लगा के इसको। बैटरी मैंने डाली, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2020, 5/9/2020। चलिए बैटरी डाली मैंने, मेमोरी कार्ड मेरे पास है, हाँ मेमोरी कार्ड है मेरे पास। ये मेरे पास हीरो 5 की भी बैटरी है, शायद मैं सेल करूँ या अगर इसमें लग गई तो इसमें कोशिश करूँगा लगा दूँ। पता नहीं उल्टा डलेगा या सीधा डलेगा, इसको देखते हैं। अलग डाल लूं, ऐसे जाएगा ये शायद, हाँ लग गया। सही है, खुद ही ऑन हो गया, या तो मुझसे बटन दब गया या खुद ही ऑन हो गया। GoPro का लोगो बूटिंग स्क्रीन पे। अच्छा अब ये आ रहा है लैंग्वेज सेटअप, इंग्लिश चूज करते हैं। लीगल स्टफ एग्री, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GPS ऑन, GoPro ऐप इंस्टॉल, द GoPro ऐप ऑन योर फोन एंड फिनिश सेटअप। मेरे पास GoPro ऐप पहले से डली हुई है, लेकिन मेरा कैमरा तो अभी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, चलो बाद में देखूंगा इसको मैं। आर यू श्योर, कंटिन्यू, स्किप सेटअप, डेट, आज क्या डेट है, आज है 8 तारीख। ये सेटअप आया इसका, ठीक है स्टैंडर्ड 1080
60W वाइड एंगल है, ठीक है। अब इस पर रिकॉर्ड 15% बैटरी है अभी इनिशियली इसकी, चार्ज करूँगा मैं इसको भी। चलो इस पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी शायद वॉइस कमांड ऑन नहीं है, चलो मैं इससे करके देखता हूँ। हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। इसका थोड़ा टच मुझे अच्छा मालूम हो रहा है। इसकी वीडियो मैं इसमें डालूंगा, जब अपलोड करूंगा तो अटैच कर दूंगा। हाँ चार्जिंग ऑन हो गई है। एक रेड लाइट दिख रही होगी आपको इस पर, यहाँ पर भी एक रेड लाइट जल रही है। अभी मैं करीब नहीं ला सकता क्योंकि केबल छोटी है। चार्जिंग ऑन हो गई है, अब इसको देखते हैं। ये है टेप लगा हुआ है इसको खोलता। ये है इसमें से, इसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा मुझे पता है, पहले भी मैं एक दफा मंगवाया था मैंने। ये आ गया अडैप्टर खाली, सही है जी। ये टाइप सी में लगेगा और ये मेरे पास 3.5mm का माइक्रोफोन जैक है और एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी मुझे। अब इंशाल्लाह इससे व्लॉगिंग करेंगे, देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। इसमें एक दो फीचर नए जो मुझे ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक तो ये कि हाइपर स्मूथ 2.0 है, ठीक है। 12 मेगापिक्सल, वो भी पुराना वाला भी 12 मेगापिक्सल था कैमरा। और इसमें एक फीचर और नया है, वो है ये आपका लेवल करे लाइव स्ट्रीमिंग का, जो कि GoPro Hero 5 में नहीं था। तो लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर मिलेगा और मैंने ऐसा देखा है कि ये एज अ वेबकैम भी यूज़ हो जाएगा, तो इसको मैं एज अ वेबकैम भी यूज़ करूँगा और आप लोगों से रिजल्ट इसका शेयर करूँगा। अच्छा ये जो है ना, मेरे पास हीरो 5 की एक बैटरी है और एक हीरो 8 की ये वाली नई आई है। अब मुझे दोनों का साइज सेम दिख रहा है और इनके प्लस माइनस पोलरिटी भी जो है ना सेम दिख रही है और पिनें भी सेम दिख रही हैं, तकरीबन एक जैसी हैं सेम। तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता तो नहीं है कि हीरो 5 की बैटरी उसमें हीरो 8 में लगेगी या नहीं, लेकिन अगर ये लग गई तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे फिर नई बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इस पर जो ये आउटपुट वोल्टेज लिखे हुए ना, ये मैं कंपेयर करता हूँ। ज़रा सा फ़र्क है बैटरी में, बल्कि कोई भी फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तकरीबन दोनों बैटरी सेम है, सेम साइज़ की हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन कुछ जो है ना कि आउटपुट ये कितना है। अगर इनका आउटपुट सेम है तो मैं इसको अभी GoPro Hero 8 में डाल के देखूंगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मुझे जो है आम आँख से तो नहीं समझ में आएगा, तो ये मैं कोशिश करता हूँ इससे पढ़ूँ कि आउटपुट वोल्टेज क्या है इसका। अब ये आउटपुट वोल्टेज इस वक्त मेरे हाथ में GoPro Hero 5 की बैटरी है, इसका आउटपुट है, आउटपुट कहाँ लिखा है, हाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल चाइनीज़ या जैपनीज़ में 4.4 वोल्ट है, 1220 mAh, ठीक है। इसमें भी चाइनीज़ या जैपनीज़ में लिखा हुआ है 4.40 वोल्ट है इसका भी, 1220 mAh, बिल्कुल सेम पावर की हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हीरो 8 में लगा के देखूँ और चेक करूँ कि हीरो 8 चलता है या नहीं इस बैटरी से। लेट्स ट्राई। ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हीरो 5 की बैटरी हीरो 8 में चल जाए। ये तो हीरो 8 की है, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब ये हीरो 5 की बैटरी मैं इसमें लगा रहा हूँ। लेट्स सी, बैटरी तो सही है बिल्कुल, आई होप कि चलेगी भी सही। ये गया, बिस्मिल्लाह करके ऑन करते हैं और ऑन हो गया। बैटरी नोटिस, यूज द GoPro बैटरी फॉर हीरो 8 ब्लैक टू इनेबल ऑल योर कैमरा फीचर्स। अच्छा इसका मतलब कुछ फीचर्स नहीं चलेंगे इसमें, हालांकि ऑन कर दिया इसने कैमरा, ओके करा मैंने, चल तो रहा है कैमरा तो चल रहा है, लेकिन यकीनन कुछ फीचर्स नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे शुरू में ही वार्निंग दिख गई है कि ये GoPro Hero 5 की बैटरी डाली है मैंने। अब मैं रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ। 100% बैटरी दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये देखें रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त। अब क्या फीचर्स नहीं चलेंगे इस पर रिसर्च मैं बाद में करूँगा, लेकिन हीरो 5 की बैटरी हीरो 8 में लग गई है और चल भी रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ये GoPro जो है मैं अब टेस्ट करने जा रहा हूँ और मैं इसको हेलमेट में माउंट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास केसिंग नहीं है, केसिंग बाद में आएगी मेरी, तो ये अभी इसी की जो डिफ़ॉल्ट
इसके जैक हैं, इसी के जरिए माउंट कर रहा हूँ। अब ये मैंने बनाया हुआ एक ऑलरेडी, इसको लगाऊंगा इसमें। ये लगा, ये इधर लगेगा। अभी माइक में बोल नहीं पाऊंगा, इसके अंदर हवा की आवाज़ आएगी क्योंकि अभी मेरे पास माइक अडाप्टर लगाने का केसिंग नहीं है। फिलहाल मैं बस वीडियो बनाऊंगा। ये अभी माइक का जो मेरा जैक है ये फालतू पड़ा हुआ है, इसको ऐसे लगाया था। ये हो गया डेट सेट, अब मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। स्क्रीन तो नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, पहले वाले का बटन इस साइड पे था, सीधे हाथ पे, इसका बटन उल्टे हाथ पे है। अभी थोड़ा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, दैट्स इट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।